ब्रज किशोरी सेवा संस्थान द्वारा यमुना पार क्षेत्र में निःशुल्क गौ सेवा कैंप लगाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा गायों का परीक्षण कर उन्हें दवा दी गई। यमुना पार क्षेत्र के गांव डहरुआ और मावली में रविवार के दिन ब्रज किशोरी सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पशुओं को निःशुल्क दवा देने का कैंप लगाया। इस कैंप में गौ माता और अन्य पशुओं को दवा दी गई। इतना ही नहीं, ट्रस्ट द्वारा डहरुआ मावली गांव समेत कई गांव में इसका प्रचार प्रसार कराया गया, जिससे लोग इस कैंप में आकर अपने पशुओं को दवा दिलवा सकें। ये कैंप गांव के ही प्रधान प्रतिनिधि के नेतृत्व में लगाया गया। इस कैंप में दो डॉक्टर मौजूद थे जो पशुओं को चेक करके दवा दे रहे थे। ट्रस्ट के लोगों ने सरकार से भी मदद की बात कही, जिससे कि वो अपनी संस्था का नाम आगे बढ़ा सकें और गौ माताओं की निःशुल्क सेवा कर सकें। वहीं गांव के लोग भी कैंप लगने से खुश नजर आ रहे हैं। ये जानकारी ब्रज किशोरी सेवा संस्थान के अध्यक्ष गोपाल सिंह द्वारा दी गई। क्या नाम है तुम्हारा? श्याम बिहारी। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम मावली। यहाँ कैंप लगाया गया है, कैसी सुविधा मिल रही है आप लोगों को? अच्छी सुविधा है पशुओं के लिए। तुम्हारी पशु को क्या परेशानी है? डॉक्टर ने बताया कीड़े पड़ गए। अच्छा, दवा लेने आए? हाँ, दवा मिल गई। निःशुल्क किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है? निःशुल्क सेवा। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया है, निःशुल्क सेवा है यहाँ पर। कब से चल रही है तुम्हारे यहाँ ये सेवा? सर आज ही चालू हुई है। आज ही चालू। पहला चांस है ये गांव का? हाँ, ये पहला चांस है गांव का। कैसा लग रहा है तुम्हें आज प्रधान जी आपके यहाँ? मैं ठीक, अच्छा लग रहा है, पशुओं की सेवा हो रही है। कितने पशुओं को दवा दे चुके हैं आपके सवेरे से अब तक? अभी 10 पशुओं को दवा दे चुके हैं और आज कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा भैया? भैया हमारा नाम गोपाल सिंह है। हम और हमारे श्री ब्रज किशोरी संस्था के सभी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। आज श्री ब्रज किशोरी संस्था द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ग्राम डहरुआ में डहरुआ प्रधान के प्रतिनिधित्व में आज एक पशुओं के लिए निःशुल्क दवा एवं चिकित्सा मुहैया मुफ्त